तो वेलकम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रेलवे के स्टॉक्स के बारे में। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के तीन स्टॉक्स को जो दिग्गज कंपनियों से बिलोंग करते हैं, IRCTC, RVNL और IRFC। बहुत सारे निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन तीनों ही स्टॉक्स में कि अब क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि स्टॉक्स अपने हाई से बहुत बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये ना एक शेयर मार्केट का रूल होता है, सेक्टर्स होते हैं और सेक्टर्स रोटेट होते हैं। अभी किसी सेक्टर का टर्न होता है, जैसे पीछे आपने देखा अप्रैल से लेके जून जुलाई तक के आसपास में रेलवे सेक्टर में बूम था। उस वक्त में जिसने पैसा बना लिया वो अपना मालिक हो गया पैसे का। लेकिन इस समय हम क्या करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर के लेवल से बाय करके फंस चुके हैं, वो क्या करें, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रेश एंट्री के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो वो क्या करें। तो दोस्तों, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ IRCTC के बारे में। IRCTC के सपोर्ट की बात करें तो ये इस समय, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 887 के लेवल पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। और आप इसमें देख सकते हो ये एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों, जिसका PE रेशो इस समय मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 63 के PE पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके बड़े सपोर्ट जोन के बारे में, तो मुझे लगता है इसका 800 रुपये पर एक अच्छा बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। अभी गिरावट के दौरान मुझे लगता है कि इसका PE रेशो और थोड़ा सा करेक्ट हो जाना चाहिए और ये स्टॉक 50 के PE पर ट्रेड कर लेना चाहिए। और 800 रुपये पर इसका जो सपोर्ट जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे लगता है ये 800 रुपये पर स्टॉक को ज़रूर एक बार आना चाहिए। वहाँ से हम फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं और आपको ये शेयर लेना है, ऐड करना है और आप चाहते हैं इसको बाय करना, तो आप अभी भी इसमें थोड़ी थोड़ी करके बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको 4:1 में अपना कैपिटल को प्लेस करना होगा। अदरवाइज अगर आप 800 रुपये पर इस स्टॉक में एंट्री लेते हैं, तो वहां पर आपको 2 शिफ्ट्स में अपना पैसा प्लान करना होगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर आप अपनी कैपिटल को लगाएंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं खाएंगे, कम टाइम में बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। और इसमें उसके बाद जो आपके टारगेट्स ट्रिगर होने वाले हैं वो मैंने मार्क करके रखे हैं यहाँ पर, 950 रुपये का, 950 रुपये का आपका पहला, 1000 रुपये का दूसरा, और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 1050 रुपये तक भी स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब रेलवे सेक्टर में बूम आएगा तब रेलवे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आएंगे। अभी रेलवे स्टॉक्स थोड़े से शांत पड़े हुए हैं, थोड़े डाउन हैं, इसीलिए इसमें कोई भी अभी बूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा इसमें अभी मिसिंग है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, IRFC के बारे में। IRFC में अगर बात करें तो ये लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, और इसका PE रेशो 31 के PE पर ट्रेड कर रहा है। तो 31 के PE पर ट्रेड करने का मतलब है कि ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पर है। यहाँ से आप इसमें थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी उठा सकते हैं। फिर भी इसमें जो सपोर्ट जोन है वो मैं आपको बता दूं, 140 के आसपास इसमें एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, तो आप थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक 140 के आसपास आता है तो पूरा क्वांटिटी आप लगाकर फिर स्टॉक में मूव आने का वेट कीजिएगा। और दोस्तों, इसमें जो आपके टारगेट है वो वही रहने वाले हैं, जैसे कि पहले भी स्टॉक आपको 200 से 220 रुपये तक जाता हुआ नजर आया था, फिर से स्टॉक आपको 200 से 220 रुपये तक के टारगेट्स दिखा सकता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है RVNL। सबका चहेता स्टॉक है, लेकिन इस समय बुरी पिटाई का शिकार हो रखा है। 73 के PE पर ट्रेड कर रहा है इस समय, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से भी थोड़ा सा महंगा दिखता है। 60 के PE पर अगर ये स्टॉक मिल जाए तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन आ जाएगा, वहां पर हम इसे बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। और मिड कैप कंपनी है, जब चलती है तो एक साथ 5-5, 10-10% भाग सकती है, और जब नहीं चलती है तो फिर ये 1-1, 1-1, 2-2% करके धीरे धीरे क्रैश करती चली जाती है। और दोस्तों, इसके सपोर्ट जोन की बात करें तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 480 रुपये से लेकर के 485 रुपये के बीच में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन बना हुआ है। और इसके टारगेट्स की बात करें तो ये स्टॉक जब मूव आएगा पूरे रेलवे सेक्टर में, जिस समय बूम आएगा, तो ये स्टॉक आपको उस समय पर 600 रुपये से 650 रुपये तक भी जाते हुए नजर आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेने के बारे में प्लान कर रहे हो तो मैंने तीनों ही स्टॉक्स के लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आप पहले से स्टॉक्स में स्टक हो तो आपको किन लेवल्स पर एवरेज करना चाहिए, ये आपको अपने हिसाब से तय करना होता है कि हम इस लेवल पर
इस स्टॉक को एवरेज करेंगे या फिर आपने पूरा कैपिटल पहले ही लगाकर स्टक हुए हो तो आपको दोस्तों लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी वॉल्यूम्स जो है वो मिसिंग है। तो अभी टारगेट्स के आने की उम्मीद जल्दी तो नहीं है, लेकिन जब भी रेलवे के सेक्टर्स में बूम आएगा तब ये स्टॉक्स आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी स्टॉक पर रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। निश्चित ही हमारी टीम जैसे आपके स्टॉक को पिक कर लेगी, आपके लिए लेवल और टारगेट जल्द से जल्द निकाल कर आपके साथ में हम शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और किसी भी स्टॉक को सही लेवल पर बाय करके उसको सही लेवल पर सेल करना तो चैनल को तुरंत ही कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स हम डेली बेसिस पर अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वैल्यूएबल स्टॉक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।